तो यहाँ पे हमारे पास दोनों मोटरसाइकिल्स हैं, MV अगुस्ता F3 यामा R1। और वैसे तो R1 का अगर करेक्ट ट्राइवल की बात करें तो MV अगुस्ता F4 होती, बट कोई नहीं, जो हम ओन करते हैं उससे हम कंपेयर करेंगे। एंड अगर पावर फिगर्स की बात करें तो दिस इज़ 150 BHP, 167 kgs, दैट इज़ 228 BHP रिमैप्ड। और अगर वेट की बात करें तो क्लोज़ टू 190-200 kgs के आसपास है इसका वेट। और बाकी इनफैक्ट और ज़्यादा लाइट है ये, तो मैं स्टॉक बाइक का वेट बता रहा हूँ। इसमें एग्जॉस्ट लगा है, अकरा का टाइटेनियम एग्जॉस्ट लगा है, जिससे 6-7 किलो वेट और कम हो गया है बाइक का। और बाइक पूरी लोडेड है, आप देख सकते हो टू द टॉप, RNG के इंजन केसिंग, RNG का फ्रेम स्लाइडर्स, RNG का ब्रेक लेवर प्रोटेक्टर, ब्रेम्बो के प्रॉपर रेसिंग ब्रेक्स लगे हैं। और उसके अलावा जो टेल टाइडी है, दैट इज़ ऑल्सो आई थिंक RNG, बहुत ही खूबसूरत। और इसके अलावा इसमें स्टॉक आपको टेल टाइडी मिल जाएगी F3 RC रिपार्टो कोर से, आप देख सकते हो लिखा हुआ है। फ्रेम स्लाइडर्स लगे हुए हैं, बाद ये जो लिवर्स हैं ये रिपार्टो कोर से एडिशन के लिए स्पेशली हैं ये। और स्टॉक अगर आप लोगे तो वो नहीं मिलने वाले हैं आपको लिवर्स ऐसे वाले। और फुटपेक्स भी चेंज है इस बाइक के। खैर, अपनी बाइक के बारे में तो मैं बहुत कुछ दिखा चुका हूँ, तो इस वीडियो में हम दोनों बाइक साइड बाई साइड भगाएंगे, इन्जॉय करेंगे और देखते हैं R1 कितनी ज़्यादा तेज़ है रिपार्टो कोर से। सो लेट्स सी, साथ में चलाते हैं दोनों मोटरसाइकिल, चला के देखते हैं दोनों बाइक का, आपको बताऊंगा कि क्या फीडबैक मिला मुझे। चलो राइड करते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, जिस टाइम का हम वेट कर रहे थे, तो अभी वहाँ पे खड़ी है R1, विच इज़ ऑफकोर्स रिमैप्ड। आपने अब तक वीडियो देख लिया होगा R1 का, तो 228 BHP जितनी R1M होती है। और हम थोड़ा भगाने जा रहे हैं साथ में, लेट्स सी। लेट्स सी, भगा के देखते हैं थोड़ा, चले थोड़ा सा आराम से शुरू करते हैं, बिकॉज लॉन्च कंट्रोल नहीं तो तुरंत लिफ्ट होती है। तो ऐसे निकल रही है R1 भाई, मतलब 200 के बाद भी क्या निकल तो स्टार्टिंग से जाएगी, बिकॉज दैट इज ऑलमोस्ट, अगर भैया बता रहे हो, डाउनशिफ्ट
0 to 28, that means 70 bhp more than MV Agusta F3. Was something crazy, man. मजा आ गया. I hope आप लोग भी enjoy कर रहे होंगे. And सच में भाई, और काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि मैंने gloves क्यों नहीं पहने. Gloves इसलिए नहीं पहने क्योंकि जब starting में आप सुबह सुबह निकलो तो आपको grip अच्छी चाहिए होती है यार. Gloves से starting में इतना confidence नहीं आता. अगर आप पैसे बेयर हैंडेड चलाओगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहता है. अब एक बार थोड़ा वार्म अप हो गया, थोड़ी बाइक भगा ली, अब ग्लव्स पहनेंगे तो थोड़ा ज़्यादा ईजी रहेगा अपने लिए. एंड अभी तो होगा फोटो सेशन. पानी चाहिए ना, पानी पानी तो इधर मिल जाएगा. रहन दे, इधर चले. इधर आगे लेफ्ट साइड रुकते हैं, लेफ्ट साइड रुकते हैं आगे. अब पाक हो जाएगी. खतरनाक भाग रही थी, मजा आ गया सुबह सुबह. मैं जैकेट नहीं पहना, मैं कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा. वही वही वही, थोड़ा सा डर तो लगता है. सो अभी हमने दोनों मोटरसाइकिल्स भगा के देखी और R1 ऑफ कोर्स निकल रही है आगे, तो मैंने कहा आप MV चला लेते हैं. एक्चुअली R1 भी काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल बाइक है, और स्पेशली क्रॉस प्लेन इंजन के साथ तो भाई अलग ही हो जाती है. इतनी मज़ा आ रही थी R1 चलाने में. तो बाय द वे, इस वाले वीडियो में मैंने MV Agusta चलाया, बिकॉज अपनी अपनी बाइक पे इंसान ज़्यादा कंफर्टेबल होता है भगाते टाइम. हाथ ज़्यादा अच्छे से सेट होते हैं, ब्रेक का पता होता है आपको, एक्सेलरेशन का पता होता है, थ्रॉटल का पता होता है, क्या रिस्पॉन्स होने वाला है. तो इसीलिए अपनी अपनी बाइक पे जब भी आप बाइक भगाओ तो अपनी अपनी भगाओ, वो बेटर रहता है, बजाय उसके कि आप एक नई बाइक एकदम से ले के फिर आप इंस्टेंटली भगाना शुरू कर दो. बाइक को समझने के लिए, बाइक को जानने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है. वो जो केमिस्ट्री होती है ना, वो जो बॉन्ड होता है, उसको बनने के लिए थोड़ा सा टाइम डेफिनेटली चाहिए होता है. हर बाइक के साथ आपकी केमिस्ट्री बन सकती है बढ़िया, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा. तो फिलहाल अपनी केमिस्ट्री MV के साथ बहुत बढ़िया बन गई है, और MV Agusta को बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं हम लोग. दोनों मोटरसाइकिल्स को साथ में भगा के जो मज़ा आया है ना भाई, नेक्स्ट लेवल था टोटली. और एग्जॉस्ट की बात करें तो R1 में 11 लगाए. तो मैं इसके बाद एक्चुअली आपको आवाज़ सुना देता हूँ, बिकॉज मैं आवाज़ वाला वीडियो डालना भूल गया स्टार्टिंग में. और अपनी MV की तो आपने आवाज़ सुन रखी है, MV में स्टॉक एग्जॉस्ट लगा हुआ है. तो मेरी मोटरसाइकिल ज़बरदस्त साउंड करती है, हालांकि MV की आवाज़ नहीं आएगी R1 के आगे, क्योंकि एक आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट तो एक आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट ही होता है, दैट टू फ्रॉम अकरा पोविच. सो इतना हाई एंड एग्जॉस्ट लगा होगा तो यार कहाँ ही आवाज़ सुनाई देगी किसी और मोटरसाइकिल की. यहाँ से लेंगे लेफ्ट टर्न, देन राइट टर्न, और हमारे साथ एक डोमिनर भी है जो कि बहुत ही अच्छी मोटरसाइकिल है, बहुत ही अच्छी पावर क्रूजर है.
मुझे लग रहा है अभी भी सुन पा रहे होगे, R1 इतना आगे चल रही है उसके बाद भी ऐसी आवाज़ आ रही है ना सुपर डुपर लाउड। अब प्रॉपर जैसे इनलाइन 4 की आवाज़ होती है, ZX10R हो गई या और भी आप मोटरसाइकिल्स देख लो, GSX-R देख लो, हायाबूसा देख लो, तो वैसी आवाज़ नहीं है। एक इसमें आवाज़ में हल्का सा V सीरीज़ वाला टच है, जो V इंजन्स होते हैं वैसा टच मिल रहा है। आप समझ लो एक S1000RR और डुकाती पैनिगाले को मिक्स कर दो, जैसी आवाज़ आएगी ये वैसा एक मिक्सर है। परफॉर्मेंस भी उतनी ही ब्रूटल लग रही है। मुझे लगता है अगर एंटी व्हीली ऑफ कर दें इसका भाई, तब क्या होगा, बाइक पूरे टाइम हवा में रहने वाली है, पूरे ही टाइम मुझे लगता है हवा में रहेगी। सो आई होप आपको इस वीडियो में, इस व्लॉग में मज़ा आया होगा। इंस्टाग्राम हैंडल डिस्प्ले हो रहा है, फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, और अब तो R1 भी आ गई चैनल पे। एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। राइड हार्ड, राइड सेफ, स्टे सेफ, एंजॉय। सब्सक्राइब जरूर कर लो यार, 1 मिलियन पहुंचना है जल्दी से जल्दी।